राज मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब को बुला तो लिया, कभी उनको भोगीलाल से पैसे निकलवाने का कोई अच्छा सा आइडिया सूझ जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनके अलावा अभी मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सुन रहे हैं ना भगवान? क्या जेठालाल, तुम भी आ गए? मेहता साहब आ गए। क्या आ गए, किसको बोल रहे हो आ गए भाई? अपने आप को बोल रहा हूँ मेहता साहब। अरे अपने आप को बोलना ही है ना जेठालाल, तो अपने आप को ये बोलो कि आज के बाद मैं ऊट पटांग फोन नहीं करूंगा मेहता साहब के ऑफिस में, और ऐसे फोन करके बहाने बना के उन्हें नहीं बुलाऊंगा ऑफिस से। आज तो तुमने हद कर दी भाई, अंजलि की आवाज में बात कर रहे थे तुम। पहली बार थोड़ी की अंजलि भाभी की आवाज में बात। जेठालाल, इससे पहले तुमने मुझसे अंजलि बन के बात की थी, मेरे बॉस से नहीं। आज तुमने मेरे बॉस से अंजलि बन के बात की है, कल को अंजलि सही में उन्हें फोन करेगी तो वो कहेगा नहीं अंजलि तो यही नहीं, अंजलि तो वो है, वो तुम्हें अंजलि मानेगा, फिर क्या करूंगा मैं? अरे क्या करूंगा क्या, आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा अंजलि भाभी की आवाज में आपके बॉस के साथ बात करने के लिए। आधी रात को बोलेंगे, आधी रात को आ जाऊंगा। अरे पर जेठालाल, आधी रात को मेरा बॉस अंजलि से क्यों बात करेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मुझे बुलाएंगे, मैं अंजलि भाभी की आवाज में आपके बॉस के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। पर आज तो आपकी वजह से ही आपके बॉस के साथ वो अंजलि भाभी की आवाज में मुझे बात करनी पड़ी ना। मेरी वजह से कैसे? अरे आपने बोला ना अंजलि, फोन स्पीकर पे कर रहा हूँ, सामने बॉस है, बॉस बात करना चाह रहे, तो मैं क्या करता? अरे क्या करता क्या जेठालाल, फोन काट नहीं सकते थे क्या तुम? इतनी अक्ल नहीं है तुम्हें? इतनी समझदारी की उम्मीद तो मैं तुमसे कर रहा था कि मैं तुम्हें इशारे कर रहा हूँ कि मेरे बॉस सामने खड़े हैं, तुम स्पीकर फोन पे हो, तो फोन काट तो सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अंजलि बन के बात करनी है। उससे बैठा नहीं जा रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। अरे हद करते हो भाई। कुल मिला के अपना काम हो गया ना भाई, आपको छुट्टी मिल गई ना यहाँ आने के लिए? अपना काम कौन सा अपना काम जेठालाल, जो भी काम है तुम्हारा काम है, मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, मेरा काम, आप बैठो बैठो बैठो, वही तो काम की बात करते ना भाई, वो सब चर्चा करके क्या मतलब है मेहता साहब। अच्छा सुनिए, पहले तुम सुनो, सबसे पहले कुछ बढ़िया सा खाने के लिए मंगाओ भाई। मंगवाता हूँ, पहले मेरा प्रॉब्लम तो सुनिए। प्रॉब्लम तो सुनूंगा ही ना जेठालाल, वो सुनने के लिए तो बीच ऑफिस से यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम तो मेरी प्रॉब्लम समझो ना भाई, अपनी प्रॉब्लम की पड़ी है तुम्हें, मुझे भूख लग रही है इसलिए कुछ मंगाओ। ये लीजिए, ये बेर खाइए। यार बेर नहीं खाना, मुझे कुछ चटपटा खाना है जेठालाल। चटपटा भी है, ये लीजिए इमली खाइए। अरे यार जेठालाल, तुम्हें पता है ना कि चटपटा मतलब क्या है मेरे लिए, कोई भजोसा छमिया ऐसा कुछ मंगाओ ना। क्या? अरे यार समोसा भजिया ऐसा कुछ मंगाओ भाई, तलावा कुछ बढ़िया। ठीक है मंगाता हूँ। अरे मंगाता नहीं, मंगाओ तभी दिमाग चलेगा। हाँ बागा, देख मेहता साहब आए तो उनके लिए कुछ समोसा भजिया ऐसा कुछ गरम गरम जो भी नाश्ता मिले फटाफट लेके आना भाई। हाँ हाँ फटाफट, हाँ बस मंगवा लिया। कब तक आएगा? आ जाएगा अभी 5-7 मिनट में। हाँ हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम क्या है? मेहता साहब, एक व्यापारी के पास मेरा पैसा फंसा हुआ है। कितने पैसे? 50 लाख। 50 लाख? ये तो समस्या ही मेरे औकात के बारे में, इसका समाधान मैं कैसे दूंगा? एक मिनट आप बैठो, पूरी बात सुनिए, पूरा प्रॉब्लम आप विस्तार से सुनेंगे ना तो पूरा मामला समझ में आ जाएगा और इसका समाधान अपने आप में से बाहर निकल आएगा। विस्तार सारा मामला मतलब प्रॉब्लम कोई और भी है? हाँ मतलब नहीं, मतलब प्रॉब्लम की शुरुआत 50 लाख से होती है। और खत्म कहाँ होती है? 50 लाख पे। क्या कह रहे हो जेठालाल, कुछ ऐसा कहो ना जो समझ में आए भाई। अपने अय्यर भाई है ना। अब इसमें अय्यर कहाँ बीच में आ गया? अरे मेन बात तो अय्यर भाई से शुरू हुई है भाई। अरे भाई जेठालाल, एक बार में डिसाइड कर लो, बात 50 लाख से शुरू हुई है या अय्यर से शुरू हुई है? एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में बोले। हाँ बोलो। ये देखो बोले ना फिर आप। जेठालाल मैं बीच में कहाँ बोला हूँ, मैं तो शुरू में बोला हूँ ना कि बोलो। अच्छा ठीक, तो सुनिए, हुआ यूं कि अय्यर भाई और बबीता जी ओ सुबह मेरे घर पे आए। बताइए बबीता जी, क्या अर्जेंट काम आन पड़ा मेरा? मेरे को ऑफिस स्टाफ के लिए अर्जेंटली 100 टैबलेट चाहिए। मिल जाएगा? लेकिन रामसन कंपनी का ही चाहिए। पक्का? पक्का। क्या 0.1 बर्तन भी अगर जो तुमको डाउट है ना कि ये नहीं हो सकता है, तो मेरे को तुम पहले बता देना,
इधर बाका को बोला, उधर उसने रामसंग कंपनी में फोन लगाया और फोन लगाते 100 टैबलेट आपके हाथ में। नहीं मंगवा सकता। क्यों? उन्होंने हमें नया माल देने से इनकार कर दिया है। पहले पुराना पेमेंट क्लियर करो, उसके बाद ही नए माल का ऑर्डर लेंगे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, भोगीलाल जी के पास से हमारे 50 लाख रुपए का पेमेंट कुछ भी करके निकलवाइए। मक्खी, मच्छर, चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, ये कभी पैसे देते हैं? है? अरे भाई, पिछले 6 महीने से यही लोग मेरे होटल में रह रहे हैं। अब ये पैसा दे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अभी उससे पैसे निकलवाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म सोचना पड़ेगा बागा। ये परिस्थिति है, अभी बताइए मैं क्या करूँ। एक काम करो, तुम अय्यर को सब सच सच बता दो। अरे क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अरे यही कह रहा हूँ जेठालाल, कि अय्यर को सब सच सच बता दो। भाई और चारा क्या है तुम्हारे पास जेठालाल? मुझे एक बात बताओ, भोगीलाल आज के आज तुम्हें पैसे देने वाला है? नहीं। फिर जब भोगीलाल पैसे देगा ही नहीं, तो तुम रामसंग कंपनी को पैसे कैसे चुकाओगे? और जब रामसंग कंपनी को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो तुम्हें 100 टैब्स की डिलीवरी नहीं देंगे। इसलिए आज की तारीख में आज के आज 100 टैब्स की डिलीवरी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए चुपचाप जाओ, बबीता जी और अय्यर को सब सच बता दो। लेकिन मेहता साहब, बबीता जी ने अय्यर भाई को मेरी गारंटी दी है। ऐसे में अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा तो कैसा लगेगा? देखो जेठालाल, अगर अभी तुम जाके सच बोल दोगे तो शायद उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन अगर तुम्हारी उनसे कोई बात ही नहीं होगी तो वो तो इसी गलतफहमी में रहेंगे ना कि तुम टैब्स देने वाले हो शाम को। लेकिन जब तुम शाम को जाओगे खाली हाथ और बताओगे कि मैं डिलीवरी नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर तुम सच बोलोगे, तो सोचो कितना बुरा लगेगा उन्हें। सोचो, ज्यादा सोचो मत, एक गुलदस्ता लो अच्छा सा और बबीता जी अय्यर को जाके सॉरी बोल दो, बात खत्म करो। एक मिनट जरा यहाँ साइड पे खड़ा करो, थोड़ा आगे। अरे भाई साहब, एक अच्छा सा बुके देना। वाइफ को देना है? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड। फ्रेंड फ्रेंड को देना है। लेडीज या जेंट्स? अरे तुमको क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे नहीं नहीं, वो हिसाब से मैं आपको बुके दूंगा। बुके बुके होता है ना भाई, उसमें लेडीज को देने का अलग, जेंट्स को देने का अलग, ऐसा थोड़ी होता है। अरे नहीं नहीं साहब, होता है। जन्मदिन का अलग, शादी का अलग, शादी की सालगिरह का अलग, नौकरी का अलग, और तो और नौकरी में जो प्रमोशन मिलता है उसका अलग, उसके अलावा गेटवेल सून का अलग। लेडीज को देने का और जेंट्स को देने का, सबका अलग अलग बुके होता है। बताइए, लेडीज को देना है कि जेंट्स को देना है? दोनों को। अच्छा समझा, किसी की शादी की सालगिरह के लिए चाहिए? नहीं नहीं, सालगिरह के लिए नहीं, वो किसी को सॉरी बोलने के लिए चाहिए, तो अच्छा सा कोई सॉरी वाला बुके दे दो। अच्छा अच्छा समझ गया, एक मिनट दीजिए, अभी मैं आपका बुके देता हूँ। ये रहा सर, आपके लिए एकदम परफेक्ट। और ये लीजिए, इसमें आप जो मैसेज लिखना चाहते हैं वो इसमें लिखिए। तुम्हारे अक्षर अच्छे हैं? मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं। तो तुम ही अच्छे अक्षरों में सॉरी लिख दो ना भाई उस पे। ओके। ये लीजिए सर। थैंक यू। और साहब पैसे? अरे सॉरी, एक मिनट। मुझे सॉरी बोलने के लिए गुलदस्ता लिया? सॉरी। कितने का है? 500। चलो भाई। जेठालाल तैयार? नहीं नहीं, ओ मतलब दिमाग से तैयार, दिल से नहीं। तो नहीं जाना है? नहीं नहीं जाना है। डरपोक कहीं का? डरपोक तो डरपोक, जो बोलना है बोलो, नहीं जाना है।
साहब वापस जाना है, आइए बैठिए। अरे हाय जेठा जी, ओ वाओ व्हाट अ लवली बुके, किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए क्यों? ऊपर आके बताऊं के यहीं से बताऊं तो चलेगा? जेठा जी ऑफ कोर्स ऊपर आके बताइए, आइए आइए प्लीज। अभी तो जाना ही पड़ेगा। साहब रुको के जाऊं? जाओ तुम तो जाओ। अरे जेठालाल वेलकम वेलकम जेठालाल, थैंक यू नंद्री नंद्री, तुमने बोला था 100 टैप का डिलीवरी कर देगा, तुमने डिलीवरी कर दिया, वाह 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 क्या बात है। बबीता ही इज अ मैन ऑफ वर्ल्ड। हां यस। और देखो जेंटलमैन भी बन गया है, बूके वगैरह लेके आया है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। अरे तुम कड़ा क्या है? बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठो भाई, प्लीज 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 प्लीज। हाँ वाह 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 वाह, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। बैठिए बैठो ना, बैठो बैठो। बबीता यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुमने कहा था कि जेठालाल जो बोलता है वो करके दिखा रहा है। आ गई जेठालाल, तुमने करके दिखा दिया, और वो भी बिफोर टाइम। नंद्री नंद्री थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। यार भाई प्लीज आप ऐसा सब मत बोलिए। अरे क्यों ना बोलो, यू डिजर्व इट। अरे तुमने इतना अच्छा काम किया, तुम्हारा तारीफ तो बनता है। नहीं बबीता, ऑफ कोर्स जेठा जी, मुझे तो हमेशा से कॉन्फिडेंस था कि आप 100 टैप मैनेज कर ही लोगे, बस आई टेंशन में था। हाँ मेरे को टेंशन था, लेकिन अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरा सारा टेंशन दूर हो गया। ग्रेट। नहीं दूर नहीं हुआ है अय्यर भाई। क्या टेंशन? किसका? आपका। मेरा? क्यों? क्योंकि मैं 100 टैप का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ बबीता जी। ये आप क्या कह रहे जेठा जी? मैं सच कह रहा हूँ बबीता जी, मुझसे 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। बाप रे, ये भाई ऐसा क्यों हंस रहे? कहीं उनके डागड़ी चसक तो नहीं गई? क्या हुआ यार, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? अरे बबीता हंसू नहीं तो फिर क्या करूं, ये जेठालाल मजाक क्यों ऐसा कर रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अय्यर भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। तुम मजाक नहीं कर रहा है ना? सच में 100 टैप मैनेज नहीं हो पाए? जेठालाल ये क्या बोल रहे तुम? अभी मैं बात को क्या मुंह दिखाएगा? जेठा जी कुछ कीजिए, आप किसी भी तरह से अय्यर को 100 टैप दिलवा दीजिए। जेठालाल तुमको ज्यादा पैसा चाहिए तो ठीक है, मैं तुमको ज्यादा पैसा देगा, मेरे पर्सनल अकाउंट में से निकाल कर तुमको जो भी ऊपर का पैसा है ना वो देगा। लेकिन प्लीज जेठालाल, तुम किधर से भी मेरे को 100 टैप ला कर दो। कहां से ला के दूं अय्यर भाई? जेठालाल इलेक्ट्रॉनिक का दुकान तुम खोल कर बैठा है तो तुमको मालूम होगा ना, मेरे को क्या पूछता है। अरे अय्यर भाई मैंने बहुत कोशिश की, सब जगह बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। तुम झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ अय्यर भाई। तो किधर कोशिश किया तुमने? रामसंग कंपनी में। तो वो लोग नहीं दे रहे? नहीं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुझे उनको 40 लाख का पेमेंट देना है। तो दे दो। वो तो मुझे देना ही है, और मैं दे ही देता अगर मेरे 50 लाख अटके ना होते तो। किधर अट गए तुम्हारा 50 लाख? बबीता जी एक भोगीलाल करके पार्टी है, वो लॉकडाउन के
पहले से मुझे 50 लाख का पेमेंट तो अटका के बैठा ही दे नहीं रहा है, तो उसकी वजह से क्या मैं रामशंकर कंपनी में 40 लाख का पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। जेठालाल, जब ये सब प्रॉब्लम था तो मैं और बबीता तुम्हारे गोडाउन में आया था, तब तुमने क्यों नहीं बताया? हाँ, वो तभी मुझे बता देना चाहिए था, गलती हो गई, सॉरी। सॉरी? निंग सॉरी सॉरी डे पोडिंग? ना यंग पोगर दो, ना यंग बात का यंग मुंजिर कमी पो, निंग रूम तप्पु पंडिटिंग। क्या बोल रहा है अय्यर भाई? जेठा जी, अय्यर एटा बोल छे कि आपने ओर साथे खूब खराब करे छेन, आपना एरकम करे ओर साथे करा उचित छिलो ना, ओ खूब बाजे भावे फेसे गेछे। यस, এবারে ও বস কে কি বলবে, কি মুখ দেখাবে? আমাকে তুমি মাফ করো না। করো না, আমাকে তুমি মাফ করো টাকা না, আমি তোমাকে মাফে চাইছি। জিঠাজি, আপনি ক্যা বল রহে হ্যায়? আপ প্লিজ কুছ মত বোলিয়ে। নিনি মুঝে বলনে দিজিয়ে ববিতা জি, মেন আপকি ভাষা মে আপসে মাফি মাঙ্গনে কি কোশিশ কর রহা হু। মাফি? उनका मन्नी केकर दका बेकमेल। थैंक यू अय्यर भाई, ने तो माफ कर दिया, अभी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। जेठालाल, मैंने तुमको माफ नहीं किया है और मैं तुमको माफ कभी करेगा भी नहीं। अभी तक मैंने तुम्हारे कहने पर जेठालाल पर भरोसा किया था, लेकिन इसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। जेठा जी, ये आपने ठीक नहीं किया, मैंने आपकी गारंटी ली थी। उसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है बबीता जी, कि आपने मेरी गारंटी ली और अभी मेरी वजह से आपको अय्यर भाई का सुनना पड़ रहा है। मुझे आप पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था जेठा जी। बबीता जी, ऐसा मत बोलिए। अरे बोलेगा, एक बार नहीं 10 बार बोलेगा। बॉस का फोन, अभी मैं बॉस को क्या बोलेगा? अय्यर भाई, जैसे मैंने आपको सब सच सच बता दिया, वैसे आप भी बॉस को सब सच सच बता दीजिए। सत्य में वो जयते पाए मुड़। यस सर। आयो, और वो टैब का क्या हुआ? वो टैब का कुछ नहीं हुआ सर। व्हाट? सर, वो टैब का डिलीवरी आज नहीं मिल पाएगा। अरे, तुमने तो बोला था कि आज पक्का टैब मिल जाएगा। सर, मैंने जिस आदमी के साथ 100 टैब के डिलीवरी का डील किया था, उसने पहले तो हाँ बोला, बाद में वो घूम गया। सॉरी सर, मैंने बहुत गलत आदमी पर भरोसा कर लिया। अय्यर, तुमने नहीं, मैंने गलत आदमी पर भरोसा किया। तुमको एक काम दिया था, तुम वो भी नहीं कर पाया। You are worthless and I'm very annoyed with you. तुम मेरे साथ काम करने के लायक नहीं है। सर सर सर, यू आर सस्पेंडेड। यू आर सस्पेंडेड। सर प्लीज प्लीज, मेरे को सस्पेंड मत करो सर, प्लीज। व्हाट? अरे बाप रे, ये मेहता साहब की सलाह तो उल्टी पड़ गई। बबीता बबीता, मेरे को बॉस ने सस्पेंड कर दिया। व्हाट? जेठालाल, ये तब तुम्हारा वजह से हुआ है। जेठा जी, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया, आपने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं, मेरा दिल भी तोड़ा है। नहीं नहीं बबीता जी, ऐसे मत बोलिए बबीता जी, प्लीज। जेठालाल, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। बबीता जी। जेठा,
ओम मित्राय नमोम रवये नमोम सूर्याय नमोम भानवे नमोम खगाय नमोम पूषणे नमः ओम हिरणगर्भाय नमोम मरीचय नमोम आदित्याय नमोम सवित्रे नमोम वरकाय नमोम भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी बबीता जी, बबीता जी एक मेरी बात तो सुनिए, बबीता जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। भैया चलिए चलिए। बबीता जी मेरी बात सुनिए, बबीता बबीता जी, बबीता जी एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। पर क्या हुआ? रे नहीं हुआ, मैं ये कह रहा था, मैं तो सबकी ये सच बोलने वाला आइडिया बराबर नहीं है। अरे भाई क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने वहां जाकर सब सच बता दिया तो बहुत बड़ा भवाड़ा हो जाएगा। हो सकता है अय्यर भाई के बॉस उनको पोस्टपोन कर दे। पोस्टपोन सस्पेंड कर दे। हाँ सस्पेंड, सस्पेंड कर दे। और ये भी हो सकता है कि बबीता जी और अय्यर भाई मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए संबंध तोड़ दे। इसलिए ये सच बोलने वाला आइडिया बराबर नहीं है मेहता साहब। अभी बताइए मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं क्या जेठालाल, सारी प्रॉब्लम तो तुम्हारी खुद की खड़ी की हुई है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया का क्या मतलब, सब कुछ तुमने ही तो किया है। अय्यर ने तुम्हें ये कहा था कि भाई कुछ भी डाउट हो तो तुम अभी ही बोल देना, तो तुम बोल सकते थे ना, तुम मना भी कर सकते थे, स्टॉक चेक कर सकते थे, देख सकते थे सप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बड़ाई मारनी थी तो बोल दिया। हाँ अरे मेहता साहब तभी मुझे पता नहीं था ना कि ये रामसंग कंपनी वाले अचानक अपनी नई पॉलिसी लागू कर देंगे। अगर वो मुझे पता होता तो मैं अय्यर भाई को जबान देता ही नहीं। यानी कि कुल मिला के तुम्हारी प्रॉब्लम अब ये है कि भोगीलाल अगर तुम्हें 50 लाख रुपए देगा तो उन 50 लाख में से तुम रामसंग कंपनी का ओल्ड पेमेंट क्लियर करो और उनका जब पुराना पेमेंट क्लियर होगा तो वो तुम्हें 100 टैब की सप्लाई देंगे और वो 100 टैब तुम अय्यर को दोगे और ये काम तुम्हें शाम को 6 बजे से पहले करना। बराबर, अभी आप पूरी बात एकदम बराबर समझे। तो इसमें मैं क्या करूं? मैं क्या करूं क्या मेहता साहब, कोई आइडिया दीजिए। अरे आइडिया, अच्छा जेठा ये भोगीलाल वही तो नहीं है जिसको तुमने मुझसे एक लेटर लिखवाया था पेमेंट के लिए? वही वही है, तभी उसने बोला था कि 2 महीने में पैसे दे दूंगा, वो 2 महीने का 6 महीने हो गए 1 रुपया नहीं दिया उसने और अभी तो वो छल्ली पाटली ही बैठ गया है। आज सुबह ही मैंने बागा को भेजा था उसकी ऑफिस में तो पता है उसने क्या किया? क्या? अपने कुछ तो पर्सनल बॉडीगार्ड रखे, उनके द्वारा बागा को धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। क्या बात कर रहे हो? तो इसका मतलब तो साफ है कि उसकी नियत ही नहीं है पैसा देने की। हाँ छोड़ो। अरे क्या छोड़ो क्या मेहता साहब, क्या आज क्या हो गया है आपको, क्या बोल रहे हैं आप? अरे जेठालाल मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, मेरी पहुंच बहुत सीमित है और तुम्हारे इस बिजनेस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम का पहाड़ अगर तुम मेरे सर पे रख दोगे तो मैं सॉल्यूशन कैसे दे सकता हूँ? दे सकते हैं, पर आप मेहता साहब है ना? हाँ तो फिर, अरे इसके पहले कई बार आपने इससे भी जटिल जटिल समस्या का समाधान मुझे दिया है। हाँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस समस्या का समाधान भी आप जरूर दे सकते हैं। सोचिए। हाँ बजिए कहाँ है? यहाँ मेहता साहब आपके लिए गर्मा गर्म मसालेदार चटाकेदार भजिए आ गए। तो यार क्या मसालेदार चटाकेदार, प्रचार क्या कर रहा है, भजिए देना भाई। मेहता साहब ये कौन सा तरीका है बात करने का? सॉरी वो जरा वो भोगीलाल का टेंशन है उसमें थोड़ा सा। भोगीलाल उसकी तो बात ही मत कीजिए, एक नंबर का झूठा आदमी है झूठा। आपको पता है आज जब मैं उसकी ऑफिस में गया? हाँ वो बताया जेठालाल ने, सब बताया मुझे।
आपने बताया? अरे कंफर्म क्या कर रहा है जेठालाल से बाघा? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेहता साहब अब फिर से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अरे ऊंच ने नीच ने छोड़ने भाई, तो भजिया देना या भजिया खाएंगे तभी इनका दिमाग चलेगा। अभी खड़ा क्या प्लेट में निकल के ला भजिया। जी बराबर ला रहा है भजिया। सुना मैंने सुना। अच्छा हाँ ला चाय ला। जी सेठ जी, मेहता साहब ने कोई आइडिया बताया? अरे अभी तो भजिया पेट में जा रहा है बेटा, उसका तेल दिमाग तक पहुंचे, दिमाग का ऑयलिंग हो, उसके बाद दिमाग की मोटर चलेगी ना बेटा, टाइम लगेगा थोड़ा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर आप बोलो तो। शाबाश, वेरी गुड, बोलो बोलो। सेठ जी, वो भोगीलाल कोरोना कोरोना बोल के हमारा पेमेंट दबा के बैठा है ना, तो हम भी कोरोना कोरोना करके उसके पास से अपना पेमेंट निकलवाए तो। वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया, वो क्या बोला कुछ समझे आप? सीधा बढ़िया 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 कर रहे। अरे आइडिया इसका तो ये समझाएगा ना भाई, समझाओ। सेठ जी, अगर आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बन के उसकी ऑफिस में जाए तो। सुनो सुनो सुनो, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा कोरोना पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ। एक मिनट, क्या क्या रहा? एक सेकेंड, क्या क्या? आओ भोगीलाल आओ। जेठालाल तुम? हाँ मैं। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे 50 लाख अभी के अभी दे दो, वरना 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 तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि महानगर पालिका ने मुझे कोरोना पॉजिटिव की उपाधि दी है। अगर तुमने मेरे 50 लाख अभी के अभी नहीं दिए तो मैं इतनी जोर से खांसूंगा, इतनी जोर से छींकूंगा कि तुम्हारे साथ साथ यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं सबको कोरोना पॉजिटिव की उपाधि मिल जाएगी। बोलो खांसू, छींकू? रुको रुको, मैं देता हूँ, तुम्हारे पैसे देता हूँ। रुको रुको, यही रुकना है, मैं अभी आया है, चिंता चिंता मत कर। रुको भाई, रुकना। वाह वाह बाका, मस्त आइडिया है। थैंक यू सेठ जी। 2 कौड़ी का आइडिया है। 2 कौड़ी का क्यों? अरे जेठालाल, अगर कोरोना पेशेंट बन के गया ना वहां तो पैसे नहीं मिलेंगे, जेल मिलेगी, पुलिस आएगी वहां पे। जेठालाल तुम चालू जा पांडे जी आप? हाँ मैं जेठालाल। आप यहाँ कैसे? अरे किसी ने मुझे कंप्लेंट किया जेठालाल कि कोरोना पॉजिटिव संक्रमित, यहाँ आकर धमकी दे रहा है कि पूरे स्टाफ को संक्रमित कर देगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं है कि एपिडेमिक एक्ट के तहत वो जेल जा सकता है और उस पर देशद्रोह का आरोप भी लग सकता है। यस पांडे जी, मैंने ही आपको फोन किया था। वो देशद्रोही यही है। गो बैक,
गो बैक। तुमने जेठालाल आर यू कोरोना पॉजिटिव? सर ओके। शिशुपाल थैंक यू सर, मेरे पास है। ओह कट। जेठालाल आर यू रियली कोरोना पॉजिटिव? हाँ, इसलिए अगर आप अपनी खैरियत चाहते हो तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे ना चाहते हुए भी आप सबको संक्रमित करना पड़ेगा। अच्छा, तुम मुझे संक्रमित करो जेठालाल, इससे पहले मैं तुम्हें गोली मारकर उड़ा देता हूँ, मामला ही खत्म। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मेहता साहब। फिर ऐसा करोगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। देखा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। तो अब जेठालाल, भोगीलाल को सबक सिखाने का मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया। क्या? देखो ऐसा है, वो तिकड़मों से बच रहा है तो हमें भी उसे चकमा दे के ही पकड़ना होगा। कैसे? जेठालाल, भोगीलाल के होटल है और इन दिनों होटल्स की हालत बड़ी खराब है, रूम्स पूरे बुक हो नहीं रहे, ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, और ऐसे समय में किसी होटलियर को यह पता चले कि कोई व्यक्ति उसकी पूरी होटल बुक करना चाहता तो ये ऑफर सुनकर वो दौड़ा चला आएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये ऑफर लेकर सेठ जी भोगीलाल की ऑफिस में जाएं? जी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि क्या है, भोगीलाल की ऑफिस में कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जैसे ही सेठ जी के कदम उसकी ऑफिस में पड़ेंगे उसे अपनी कैबिन में पता चल जाएगा कि सेठ जी आए हैं। हाँ तो ठीक है ना, हम जगह बदल सकते हैं भाई, तुम ऑफिस में मत मिलो, तुम उसकी होटल में मिलो, और होटल में भी ये सुन के कि पूरी होटल कोई बुक करना चाहता है वो दौड़ा चला आएगा। नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके होटल में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसका एक्सेस उसके कैबिन में होगा। कैबिन में क्या, उसके फोन में भी होगा। तो अब क्या करें? मुझे नहीं, इनसे पूछिए, आइडिया इनका है ना। मेहता साहब, अब अरे भाई, हम जगह नहीं बदल सकते तो आदमी तो बदल सकते हैं ना। मतलब भोगीलाल से लेने वाला पैसा हम बंसीलाल से मांगे। अरे यार, तुम पूरी बात सुनने से पहले क्यों कंक्लूजन पे जंप कर जाते हो भाई, बीच में क्यों कूद जाते हो, बात तो सुन लो पहले पूरी। बाका बाका, दो मिनट जरा शांति रख। बोले बोले मेहता साहब बोलिए। आदमी बदलने से मेरा मतलब भोगीलाल को बदलना नहीं है, आदमी बदलने से मेरा मतलब ये है कि जेठालाल को चूंकि भोगीलाल जानता है, इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जाए होटल बुक करवाने के लिए जिसे वो नहीं जानता हो, समझे? समझ गया मेहता साहब, मैं समझ गया। मेरी जगह कोई और जाएगा तो भोगीलाल को शक भी नहीं होगा, बराबर है? तो मेहता साहब, मेरी जगह आप चले जाइए। अरे मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो वापस ऑफिस जाना है भाई। मैं नहीं। ये लो, बॉस का फोन भी आ गया। ओ, एक मिनट, तुम चुप रहना प्लीज। यस सर। हाँ मेहता, तुमने बहुत देर से फोन नहीं किया, सब ठीक है ना? नहीं नहीं सर, सब ठीक है, मैं फोन करने ही वाला था, वो वाइफ को दिखा दिया डॉक्टर को, अभी अभी घर पहुंचा। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, वैसे अंजलि आपको थैंक्स कह रही थी सर कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे छुट्टी दे दी तो मैं आ पाया और डॉक्टर को दिखा पाया उसे। अरे मैं ते थैंक्स की कौन सी बात है इसमें, यू नो आई रिस्पेक्ट लेडीज। जरा एक काम करो, भाभी से मेरी बात तो कराओ। अंजलि से बात करनी है। हाँ कौन है तारक? क्या हुआ? वो सर, वो अंजलि से बात कराने के लिए, वो देख सकते। अंजलि अंजलि अंजलि, सॉरी सर, वो क्या लगता है कि वो डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना उसका असर हो गया तो सो गई है अंजलि। सोने दो, डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सोने दो। पर हुआ क्या है, डॉक्टर ने क्या बोला? वायरल जैसा है सर, थोड़ा सा कमजोरी है,
डॉक्टर ने दवाई लिखी है, बोले 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, 2-3 दिन? तो मतलब अब तुम 2-3 दिन घर पे ही रहोगे? नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, मैं करवट कर्मचारी हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मैं तो, तुम बड़े करवट कर्मचारी हो, कभी इस करवट बैठते हो, कभी उस करवट बैठते हो, सीधे तो बैठते ही नहीं। करमठ हूँ सर मैं, मतलब करमठ कर्मचारी। ओके, जिम्मेदार एम्प्लॉय हूँ, मेहनती एम्प्लॉय हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ। ओके, जल्दी आओ। नहीं नहीं मेहता साहब, आप ऑफिस चले गए तो फिर मेरा क्या होगा यहाँ पे? अरे जेठालाल, मेरा भी तो सोचो, अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, आप जाइए, आप ऑफिस जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भोगीलाल के होटल होते हुए ऑफिस चले जाइए ना। अरे जेठालाल, भोगीलाल के होटल में कोई भजिए खाने तो जाना नहीं है, ये भजिए खाए 5 मिनट में निकल लिए। अरे भाई, इस काम में, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा कौन जाने। सेठ जी, मेहता साहब को जाना है तो जाने दीजिए ना, भोगीलाल की ऑफिस में पैसे निकलवाने के लिए मेहता साहब नहीं जा सकते तो कोई और जाएगा। और कौन जाएगा तू? नहीं, मेरा तो जाके हो गया ना, मैं ये कह रहा था गोकुलधाम सोसाइटी से तो कोई जा सकता है ना। जेठालाल, भोगीलाल के पास हमें किसी को भेजना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना पड़ेगा जो किसी भी तरह से पैसा निकलवा के। हाँ, भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो डरा के, धमका के, दादागिरी से पैसा लाए, ऐसे किसी को भेजना हो। इन शॉर्ट, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मतलब यह है जेठालाल कि वहां जो भी जाए वो दबंग हो। सलमान खान? अरे भाई, मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ। क्यों, सलमान खान स्वभाव से दबंग नहीं है? अरे यार जेठालाल, यार समझाओ यार। अरे भागा, तू शांति रखना 2 मिनट भाई, मैं समझ गया। मेहता साहब अब क्या कहना चाह रहे, मैं समझ गया, हमारी सोसाइटी में दबंग तो एक ही है। बापूजी, बापूजी दबंग है, लेकिन वो अलग तरीके के दबंग है। मैं बात कर रहा हूँ सोढ़ी की। करेक्ट करेक्ट। हाँ सेठ जी, सोढ़ी भाई अपने 2.5 किलो के हाथ से उस भोगीलाल की गर्दन पकड़ेंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे, तो वो सारा सच अपने आप उगल देगा। बस 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 बस, यही कहना चाह रहा हूँ कि अपना सोढ़ी है वो करोड़पति बन के जाएगा भोगीलाल के होटल, और पूरा होटल बुक करने का लालच देके उससे मिले। मतलब सर मैं क्या कह रहा हूँ, भोगीलाल तो सोढ़ी को जानता नहीं है, तो अभी सोढ़ी को होटल जाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो अभी सीधे उसका ऑफिस जाके भी मिल सकता है। फाइन, ऑफिस भेजो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्या समय बचेगा ना। ऑलराइट, सेंड हिम टू ऑफिस। सेठ जी, करोड़पति लोग अकेले नहीं जाते, साथ में सेक्रेटरी को भी लेके जाते हैं। हाँ तो ठीक है ना, हमारे पास तो रेडीमेड सेक्रेटरी है, भिड़े। हाँ, और भिड़े को सेक्रेटरी बनने के लिए किसी मेकओवर की भी जरूरत नहीं है, वो तो है ही सेक्रेटरी। ये पॉइंट तुमने ठीक कहा भागा। थैंक यू। और एक बात, अब क्या, भोगीलाल ने अपनी कैबिन के बाहर 2 हट्टे-कट्टे सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो दोनों गार्ड्स इन दोनों को भोगीलाल की कैबिन में घुसने नहीं देंगे। मान लो सोढ़ी इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड से उलझा रहा तो इस बीच भोगीलाल रफू चक्कर हो सकता है। पॉइंट, थैंक यू। पर है ना, हमारे पास इलाज है इसका, हम सोढ़ी को कहेंगे कि वो अपने साथ 3-4 हट्टे कट्टे दोस्त लेके जाए। हाँ ये अच्छा है मेहता साहब, क्या सोढ़ी के वो 3-4 हट्टे कट्टे दोस्त होंगे ना, तो उनको देख के भोगीलाल तो क्या उसके वो गार्ड की भी हवा निकल जाएगी। मुझे उन्होंने हकाल के ऑफिस से बाहर निकाला था ना, अब देखना सोढ़ी भाई कैबिन में छुपे भोगीलाल को खींच के बाहर निकालेंगे। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो एक काम करते हैं मेहता साहब, सोढ़ी और भिड़े को यहीं बुला लेते हैं और पूरा मामला समझा देते हैं। वेरी गुड, तो तुम समझाओ, मैं चलता हूं। अरे क्या चलता हूं मेहता साहब, थोड़ी देर तो रुको, उनको आ जाने तो बाद में निकल जाना। अरे भाई बात तो तुम भी कर सकते हो ना, तुम समझा सकते हो, मैं निकलता हूँ ऑफिस। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मान लो उन दोनों के दिमाग में कोई सवाल आया तो आप रहेंगे तो क्या उसका फटाक से कोई हल दे सकेंगे ना। ठीक है, बुलाओ। हाँ थैंक यू। पूरी गड्डी सर्विस कर दी, लेकिन ये एयर फिल्टर सर्विस करना भूल गया। सॉरी पाजी। की सॉरी पाजी? ओ यार, ये एयर फिल्टर गड्डी का मास्क होता है, वो धूल मिट्टी को रोक कर गड्डी को बीमार होने से बचाता है। चल छेती कर, इन्हें साफ कर, चटपट फटाफट। ठीक है बाजी। चेटा ब्रा। हाँ सोढ़ी, देख मुझे तेरा एकदम अर्जेंट काम है, तो तू अभी कभी जरा गोडाउन आता है। आ जाता हूँ जी।
पर किसके गोडाउन में आना है? मेरे गोडाउन और किसके? आ जाता हूँ, पर गल की है। तू एक बार इधर आ जाना, फिर बताता हूँ क्या। अभी मुझे भिड़े को भी बुलाना है, तो तुम दोनों आ जाओ तो दोनों का एक साथ बता दूंगा। ठीक है जी, तुम फोन रखो, मैं हुणे पहुंचता हूँ। ओके ओके, थैंक यू छोटी। अरे छोटी आ रहे। हाँ सुना, मैंने सुना। अभी भिड़े को भी फोन लगा देता हूँ। हाँ वाह 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 माधवी, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीकर ना मन ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है। थैंक यू। ये चाय नहीं, ये है अमृत तुल्य। क्या देख रही हो आपको? से बिना टेंशन के आपको चाय पीते देखकर ना मेरा भी मन एकदम ऐसे प्रफुल्लित हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि आप शांति से चाय पीने बैठते हो तो उड़ेहट कोई ना कोई आता है या तो फोन की रिंग बजती। सत्य है। जेठालाल का फोन, ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोलो जेठालाल। हाँ देख भिड़े, मुझे ना तेरा एकदम अर्जेंट में अर्जेंट काम पड़ा है, तो तू अभी कभी मेरे गोडाउन आ जाता है प्लीज। अभी? हाँ अभी अभी। ऐसा क्या अर्जेंट काम है? तू एक बार इधर आ जाने क्या, मैंने सोडी को भी बुलाया है, तो तुम दोनों आ जाओ ना, तो तुम दोनों को साथ में बता दूंगा। सोडी को भी बुलाया है? हाँ। अच्छा और किसी को बुलाया? नहीं और किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ तुझे और सोडी को। अरे जेठल मुझे सबसे पहले बुलाया ना भाई। हाँ मेहता साहब को बुलाया और वो यहाँ आ भी चुके हैं। मेहता साहब के होते मुझे और सोडी को बुलाना पड़ा, मतलब प्रॉब्लम बड़ा लग रहा है। बहुत बहुत बड़ा है भिड़े, बहुत बड़ा है। तू प्लीज आ जाना जल्दी इधर। हाँ मैं आता हूँ आता हूँ। काजल मैं जाके आता हूँ, तो मैं निकलो। अरे क्या निकलो? अरे जेठालाल समझने की कोशिश करो भाई, मुझे ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे बॉस का जब फोन आया था मैंने उसी वक्त कह दिया था मैं पहुंच रहा हूँ, और मैं तो अभी तक गई हूँ। अब अगर मैं जल्दी से ऑफिस नहीं पहुंचा तो बॉस बार बार फोन करके पूछेगा कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। अरे ये तो पूछा हमें, बॉस लोगों का काम होता है अपने स्टाफ को बार बार पूछने का कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे। हाँ मैं भी जब माल की डिलीवरी करने जाता हूँ तो सेठ जी बार बार मुझे फोन करके पूछते हैं बागा कहाँ पहुँचा बागा कहाँ पहुँचा बागा कहाँ पहुँचा। फिर मैं भी सेठ जी को बोल देता हूँ कि बस अभी पहुँच ही रहा हूँ, फिर पहुँचता हूँ जब पहुँचता हूँ। नहीं वो ट्रैफिक का कुछ बोल नहीं सकते है ना इसलिए। हाँ तो आप भी बॉस का फोन है तो बोल देना पहुंच रहा हूँ। बोल देना नाम लिया और बॉस का फोन आ गया। नहीं मत उठाना मत उठाना, फोन तो उठाना ही पड़ेगा ना भाई। ना बोलू। अरे क्या बोलू क्या बात हुई ना, अभी बोल दो पहुंच रहा हूँ। तुम दो मिनट चुप रहो भाई। हेलो। अरे मैते तुम कहाँ हो, अभी तक नहीं आए तुम? मैं क्या कर रही हो बकरी की तरह? मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मैं पी रहा हूँ। पी रहा हूँ? क्या पी रहे हो? मैं पिला रहा हूँ सर, पिला रहा हूँ, पी रहा हूँ। आपने गलत सुना, पिला रहा हूँ मैं वो अंजलि को दवाई पिला रहा हूँ। पर कुछ देर पहले तुमने कहा था कि मैंने अंजलि को दवाई पिला दी है, वो सो गई है और मैं ऑफिस आ रहा हूँ, अब फिर से दवाई क्यों? दवाई क्यों? नहीं सही आपने बिल्कुल सही, एकदम याद रहता है आपको, एकदम सोई गई थी अंजलि, दवाई पी के सोई गई थी, तो डॉक्टर साहब का फोन आया, मुझे पूछा दवाई पिला दी, मैंने कहा पिला दी, बोले वो दवाई पिलाई या नहीं पिलाई, मैंने कहा नहीं वो तो नहीं पिलाई डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने वो रात की बोली थी ना रात को पिलानी, बोले नहीं 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 वो भी पिलानी अभी, तो वो दवाई पिलाने के लिए अंजलि को अभी जगाया और वो पिला रहा हूँ अभी। मेहता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस वक्त अपने घर पे नहीं हो कहीं और हो? कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो, मैं घर पे ही हूँ, मैं घर पे, अंजलि मेरे सामने है सर। अच्छा तो मेरे काम करो, जरा मेरी भाभी से बात तो करो, मैं उनका हाल चाल खुद ही पूछ लेता हूँ। बात करनी आपको? अच्छा मैं कराता हूँ ना, लीजिए अगली आवाज अंजलि की सुनोगे आप। नमस्ते बॉस जी। नमस्ते भाभी जी, अब कैसी है तबीयत? बहुत ही नादुरुस्त है। क्या बोला, तंदुरुस्त? नहीं सर वो बोल रही है ना दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है तबीयत ऐसा। बॉस जी
क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ हाँ बोलिए ना भाभी जी, क्या चाहिए आपको? तारक। तो फिर आपके पास जो बैठा है वो कौन है? वो तारक ही है, पर मैं ये कह रही थी क्या तारक थोड़ी देर और मेरे पास रह सकते हैं? थोड़ी देर और मतलब कितनी देर? यही कोई आधा घंटा सर, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा। अभी तुम भाभी जी के सामने पूछोगे तो मैं मना थोड़ी करूंगा। भाभी जी हैप्पी? थैंक यू बॉस जी। ओके। अजीब आदमी है, लोग अपनी बीवी के कंधे पे रख के बंदूकें चलाते हैं। आश बच गया। मेहता साहब आप बचे हैं सेठ जी की वजह से। सेठ जी ने क्या मस्त आवाज निकाली। अरे बचा नहीं हूँ, इसी आवाज के चक्कर में फंस गया हूँ मैं। ये सब छोड़ो भाई, जेठालाल भाई छोड़ी भिड़े को फोन करके पूछो ना कहाँ पहुँचे वो। हाँ हाँ। ओ भाई आ गए जी आ गए। आज ही हुआ पकोड़े शकोड़े, ओ दोपहर को ही दोस्तों के साथ पार्टी शाड़ी का प्रोग्राम बना लिया। अरे भाई सोड़ी कोई पार्टी नहीं हो रही है यहाँ पे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जेठालाल मुसीबत में है भाई। ओ हाँ वो जेठाबरा वो तुसी फोन पे भी बड़े टेंशन में लग रहे थी, वो गल की है दसो? वो भिड़े को भी बुलाया है ना तो वो भी आ ही रहा होगा, वो आ जाए तो दोनों को साथ में बता दूंगा। भिड़े कहाँ रह गया यार? आ गया। हाँ बोलो जेठालाल क्या प्रॉब्लम होगा? भिड़े भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ वो तो पता चल ही गया कि मेहता साहब के होते हुए हम दोनों को बुलाया तो प्रॉब्लम तो बड़ा ही होगा। क्या मतलब? नहीं मतलब आपके होते हुए भी प्रॉब्लम का हल नहीं मिला इसलिए मैंने बोला। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रॉब्लम का हल मिल चुका है भिड़े, तुम लोगों को सिर्फ मदद करने के लिए बुलाया। अच्छा अच्छा क्या मदद चाहिए? मुझे नहीं जेठालाल को चाहिए। ओ जेठाबरा ओ तुसी दसो ओ की हेल्प चाहिए? बात लॉकडाउन के पहले की है। अरे बाप रे तो बैठ के बात करें जेठाबरा। हाँ भागा जरा कुर्सी दे और ये भी सब साफ करें यहाँ से। जी 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 ठीक है। हाँ हाँ ठीक है अभी बोलो। बोलो बोलो। तो लॉकडाउन के पहले मेरे व्यापारी मित्र है भोगीलाल भाई, तो उन्होंने उनकी एक होटल है तो उसके लिए उन्होंने मेरे पास से 50 लाख के टीवी खरीदे। और फिर क्या हुआ कि कोरोना आ गया तो लॉकडाउन चालू हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे लॉकडाउन खुला तो मैंने एक बार फोन किया उनको कि, तो उन्होंने बोला कि ये कोरोना काल में मेरा होटल का बिजनेस ठप पड़ा है, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। धंधा कुछ है नहीं तो मैं आपको एक दो महीने के बाद दे दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं चलो ठीक है। तो फिर एक दो महीने के बाद मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे कोरोना हो गया है। मैं आपको फोन करने ही वाला था पर मैं पॉजिटिव निकला। फिर 15-20 दिन के बाद फोन किया तो कहते हैं कि अरे ये कोरोना नहीं होता तो अब तक तो आपका पेमेंट हो चुका होता। देखो दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद सबसे पहले मैं आपका पेमेंट जरूर करूंगा। फिर दिवाली के बाद फोन किया तो वो गल्ला तल्ला करने लगे कि हाँ आज नहीं कल नहीं देता हूँ ये वो। मैंने बोला चलो वो भी ठीक है। फिर वापस मैंने फोन किया तो फिर फोन का जवाब ही देना बंद कर दिया, फोन ही नहीं उठा रहे थे। तो ये तो अभी गड़बड़ हो गई ना। तो फिर बागा ने बोला कि मैं काम करता हूँ, मैं सीधा उनके ऑफिस चला जाता हूँ और उधर ही उनको पकड़ लेता हूँ। और जब मैं पैसे लेने गया तो ऑफिस में होने के बावजूद उसने झूठ बोला। उनको बोल दो मैं नहीं हूँ। मिस्टर बागेश्वर उसने अपने स्टाफ से भी झूठ बुलवाया। उस भोगीलाल ने अपनी केबिन के बाहर 2 हट्टे-कट्टे सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हैं जो किसी को भी भोगीलाल से मिलने नहीं देते। ओ तेरी चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तो जेठालाल तुम्हारे 50 लाख रुपए अटके। अरे जवर जवर 1/2 करोड़ झाले। अरे जवर जवर का 1/2 करोड़। अरे हो पर अभी क्या है उनका पेमेंट जो नहीं आ रहा है ना तो उसमें मेरा धंधा अटक गया है क्योंकि मुझे रामशंग कंपनी को 40 लाख का पेमेंट देना है। अभी वो लोग ने क्या बोला कि जब तक आप ये पेमेंट क्लियर नहीं करोगे हम आपके नए ऑर्डर की डिलीवरी नहीं देंगे। और नया ऑर्डर मतलब अय्यर भाई के 100 टैप का ऑर्डर। सेठ जी ने अय्यर भाई को प्रॉमिस किया है कि आज के दिन में कुछ भी करके वो अय्यर भाई को 100 टैप की डिलीवरी दे देंगे। और अगर आज के आज डिलीवरी नहीं हुई तो अय्यर भाई अपने बॉस की नजरों के सामने गिर जाएंगे। अरे बागा नजरों के सामने गिर जाएंगे नहीं भाई, नजरों से गिर जाएंगे। पता है मैंने जानबूझ के ऐसा बोला
क्या है, सेठ जी अगर आज के आज अय्यर भाई को 100 टैप की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो अय्यर भाई के बॉस अय्यर भाई को डांटेंगे, और डांट की वजह से अय्यर भाई अपने बॉस की नजरों के सामने चक्कर खा के गिर ही जाएंगे ना। ओहो जेठालाल, तुम तो दोनों तरफ से फंस गए। धंधा तो मुसीबत में है ही, साथ में प्रतिष्ठा भी, और सिचुएशन भी ऐसी है कि चाहते हुए भी सेठ जी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, अगर सेठ जी भोगीलाल की ऑफिस में पेमेंट लेने जाएंगे तो उनको देखते ही भोगीलाल गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा? वो ऐसे कैसे गायब हो जाएगा, उसको पताल से भी ढूंढ निकालेंगे। ओ जेठा भरा, ओ तोड़े पैसे तिलवा के ही छोड़ेंगे, उसी टेंशन ना लो। बस 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 छोड़ी, इसीलिए बुलाया तुम दोनों को, इसीलिए। अच्छा तो भोगीलाल से पैसे हमें निकलवाने? चलो जी अभी उसके ऑफिस में चल के धावा बोलते चलो। एक मिनट बैठ, शांत रह। देख छोड़ी भिड़े, मैंने कुछ सोच रखा, उसमें हमें जोश से नहीं होश से काम लेना, ठीक है? क्या 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 सोचा है मेहता साहब? तो प्लान ये है कि सबसे पहले तुम दोनों को भोगीलाल के ऑफिस जाना और से किसी भी तरह से चकमा देके उससे मिलना। मैं समझा नहीं मेहता साहब, अगर हमें मिलना है तो चकमा देने की क्या जरूरत है, बिना चकमा दे भी मिल सकते हैं ना, वो हमें कहां पहचानता है। भिड़े भाई, आप लोग जितना सोचते हो उतना ये आसान नहीं है। ये भोगीलाल एक नंबर का शातिर आदमी है, उसने अपनी ऑफिस में एकदम टाइट सिक्योरिटी रखी है जो किसी को भी उससे मिलने नहीं देती। ओए बागा, तू सिक्योरिटी वालों को टेंशन ना ले, उन्हें मैं संभाल लूंगा। चलो जी चलो। छोड़ी छोड़ी रुक यार, तू समझ कोई बात, इस तरह से कोई हंगामा नहीं करना है। हमारी पहली कोशिश ही यही है कि हमें बिना किसी हंगामे के चुपचाप उसकी कैबिन में घुसना है। आप भी इनके साथ जा रहे हैं? मैं क्यों जाऊंगा भाई, मुझे तो ऑफिस जाना है ना। आप अभी बोले ना हमें, हमारी कोशिश, हमें मतलब इन्हें, इन्हें जेठल, इन्हें जाओ। आप भी साथ में जाते तो अच्छा रहता। मैं नहीं जा सकता जेठलाल, मैं नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, ठीक है, प्लान चल रहा है कुछ। हाँ तो छोड़ी, तुम एक करोड़पति बिजनेसमैन बन के भोगीलाल के ऑफिस में जाना। करोड़पति जी बन जाएंगे, और दोस्तों वेरी गुड। तो करना यूं है, उसके घर में फैमिली में कोई शादी है, उसे शादी के लिए एक पूरी होटल बुक कर दो, भोगीलाल की एक होटल रॉयल होटल, उसे तुम ये लालच दोगे कि तुम्हें पूरी होटल चाहिए रॉयल होटल, इस लालच में वो तुमसे मिल लेगा। मैं कनाडा से आया हुआ करोड़पति एनआरआई बन जाऊं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी दूर दूर तक फैली हुई हजारों एकड़ जमीन और जिसमें सरसों उगी है। ए, 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 थोड़ी, अगर हजारों एकड़ जमीन है तो सिर्फ सरसों क्यों उगाना है, बाकी के धान भी उगा सकता है ना। हाँ गन्ने भी उगा सकते हैं। गुड आइडिया, या फिर कॉटन, उसमें काफी पैसा मिलता है। ओ पिडू, वो कनाडा है कनाडा, वहाँ फसल कौन सी उगती है वो देखना पड़ेगा ना, पर ठंड बहुत होती है ना। एप्पल, आप एप्पल उगाओ, कश्मीर में देखिए कितनी ठंड होती है, वहाँ कितने मस्त मस्त एप्पल उगते हैं। तो फिर स्ट्रॉबेरी भी उगा सकते हैं। कश्मीर में कहाँ स्ट्रॉबेरी उगती है? नहीं, स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर में होती है ना, वो भी तो ठंडी जगह है ना। तो सोढ़ी भाई आप एप्पल और स्ट्रॉबेरी उगाइए, फाइनल। अरे कुछ नहीं उगाएंगे सोढ़ी भाई, उनको कुछ उगाना थोड़ी है, खाली बात कर रहे हैं वो भाई। क्या खेती के पीछे पड़ गए तुम लोग? आप लोग विषय से भटकिए मत, हमें क्या कर रहे हैं ये सोचिए। सोढ़ी ये तय रहा कि आपको करोड़पति बन के जाना है। तो अभी नाम क्या रखे? किसका? सोढ़ी का, करोड़पति सोढ़ी का। अच्छा हाँ हाँ, नहीं ये इस नाम से तो नहीं जा सकता ना। हाँ, तो कुछ करोड़पति जैसा कोई वजनदार नाम होना चाहिए ना, सिंघानिया साहब ऐसा कुछ। नहीं वो फिल्मों में होता है ये सब, ये नहीं कुछ और। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं क्या कहना, पहाड़ सिंह रख ले। नहीं वो बहुत वजनदार हो जाएगा, पहाड़ मतलब। कोई ऐसा नाम छोड़ी जो जो लगे करोड़पति है, नाम से लगे करोड़पति। जसपाल बग्गा? नहीं ये थोड़ा डाकू जैसा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में वो जग्गा डाकू है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं बराबर। हाँ सॉरी, हाँ बराबर, हाँ ये सूट करता है ये नाम, ठीक है ये कर। जसपाल बग्गा, हाँ ये बढ़िया, ये बढ़िया करोड़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तय हो गया तो जसपाल बग्गा कैनेडा का करोड़पति, ठीक है। मेरी भूमिका क्या रहेगी मेहता साहब? सेक्रेटरी।
सेक्रेटरी, यहाँ भी सेक्रेटरी, और मेहता साहब वैसे भी सोसाइटी का सेक्रेटरी एनआरए के साथ क्यों घूमेगा? तुम गलत समझ रहे हो बेटे, तुम वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी बनकर नहीं जा रहे हो। करोड़पति आदमी का सेक्रेटरी होता है कि नहीं होता है? तो तुम सेक्रेटरी होगे जसपाल सिंह जी पक्का के। हाँ, लेकिन बेटे वहाँ कुर्ता पहन के मत जाना, कुछ सफारी सूट वूट पहन के जाना। मेरे पास सफारी नहीं है। अरे भाई, कहने का मतलब ये है भिड़े कि ऐसे कपड़े पहन के जाना जिससे करोड़पति आदमी का सेक्रेटरी लगे तू। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। तो अब ये बनेंगे करोड़पति जसपाल सिंह बग्गा जी, और आप होंगे इनके सेक्रेटरी। वहाँ जाके भिड़े तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करनी है। वो अपने जमाने की नहीं, मेरे जमाने में ये सब नहीं करना है। बड़ी बड़ी बात है, बग्गा साहब ये है, बग्गा साहब वो है, बग्गा साहब ऐसे है, बग्गा साहब वैसे है, बग्गा साहब के पास ये है, ये सब। ओ हाँ भिड़ू, उसको कहना कि मेरे पास बहुत पैसे, बहुत पैसे। भिड़ू का भिड़ू, नहीं नहीं मेरा भी नाम चेंज करो। नहीं नहीं, तेरा नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है भिड़े, तू शकल से सेक्रेटरी लगता है। वो जैसे मैं शकल से करोड़पति दिखता हूँ। हाँ बराबर बराबर, तो ये तय रहा। जैसे मेहता साहब ने कहा, तुम करोड़पति बग्गा बन के और तुम उसका सेक्रेटरी बन के दोनों वो भोगीलाल के कैबिन में पहुंच जाना।